brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. अफगानिस्तान में तालिबान राज के आने के बाद से चीन के अलावा भारत या किसी और देश ने अब तक इसे मान्यता नहीं दी है। हालांकि भारत ने तालिबान के साथ संपर्क पूरी तरह तोड़ दिया है, ऐसा भी नहीं है। दोनों देशों के बीच नजदीकियां फिर बढ़ रही हैं। आटे और दवाइयों की खेप से शुरू हुई मदद अब दोनों देशों के बीच राजनयिक बैठकों तक पहुँच चुकी है और अब तालिबान को मान्यता देनी है या नहीं, इसे लेकर जोरों पर चर्चाएं तेज हैं। चीन के बाद रूस और भारत ये फैसला लेंगे या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इन तस्वीरों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। रूस और भारत के अधिकारियों द्वारा ये बैठक बता रही है कि दोनों देश जल्द अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को लेकर कोई ठोस फैसला ले सकते हैं। भारत में चुनाव के बीच राजनयिक स्तर पर कुछ बड़ा होने वाला है। अफगानिस्तान को लेकर रूस और भारत मिलकर अपनी विदेश नीति तय कर रहे हैं। तालिबान को लेकर पूर्व में अमेरिका और पाकिस्तान के रुख को देखते हुए भारत और रूस की ये मुलाकात बहुत अहम है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दोनों देशों के बीच हुई बैठक को लेकर एक्सपर्ट जानकारी दी। उन्होंने इस बैठक को भारत और रूस के बीच अफगानिस्तान पर द्विपक्षीय परामर्श बताया। इस बैठक की अध्यक्षता अफगानिस्तान के लिए विशेष राष्ट्रपति दूत जमीर काबुलोव और संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने की। ट्वीट में बताया गया है कि इस बैठक का उद्देश्य अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा और अफगान लोगों के कल्याण के लिए सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में जेपी सिंह ने जो बैठक ली वो अफगानिस्तान में तालिबान राज के आने के बाद उनके अनुभवों को लेकर के भी थी। जेपी सिंह अफगानिस्तान में तालिबान के साथ हुई कई बैठकों का हिस्सा रहे हैं। तालिबान मान्यता की उम्मीद में कई देशों के साथ संपर्क में है, जिसमें एक रूस और भारत भी है। भारत और तालिबान के बीच अफगानिस्तान में कई उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। तालिबान के इस्लामिक अमीरात के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ काबुल में ही विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ राजनयिक जेपी सिंह ने मुलाकात कर भारत के पक्ष को लेकर कई बार बात की है और अब तालिबान को लेकर दिल्ली में रूस के साथ बैठक बता रही है कि भारत तालिबान को लेकर कुछ बड़ा खेल करने वाला है। जिस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच भयंकर बवाल छिड़ा है, उस बीच तालिबान तेजी से भारत के करीब आ रहा है। ईरान और भारत के बीच हुई चाबहार पोर्ट को लेकर डील अब इसे और आगे ले जाने वाला है। दोनों देश चाबहार के जरिए से जुड़ने जा रहे हैं। भारत के चाबहार पोर्ट का हिस्सा केवल ईरान और भारत नहीं बल्कि अफगानिस्तान भी बनेगा। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर निर्भरता को खत्म कर अफगानिस्तान ईरान स्थित भारत द्वारा संचालित चाबहार पोर्ट पर नजर बनाए हुए है और इस लिहाज से भारत और रूस के बीच में ये मुलाकात तालिबान के लिए अच्छी खबर लाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।